लड़ाई अखिलेश जी लड़े, कार्यकर्ता उनके लाठी खाएं, जेल कार्यकर्ता उनके जाएं, कांग्रेस यहां से पुलाव खाने आएगी। डिप्टी सीएम कितना काम कर रहा है, फोटो खिंचाने जा रहा है पाठक एक ब्राह्मण के बगल में शूद्र को बैठा रहे हैं, क्या आपको मसला है उससे? विकास का पहिया अखिलेश भैया, ये पहिया पंचर हो गया क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी, और इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद हूँ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, दारा सिंह यादव जी। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी तैयारियां हम लोग देख रहे हैं, चाहे सभी विपक्षी पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, 2024 की तैयारियों में सभी लोग लग चुके हैं। हालांकि उससे पहले कई सारे इलेक्शंस हैं, उस सभी चीज़ों पे बात करेंगे। लखनऊ में हैं, लखनऊ में कल ही जो G20 की समिट है, इन्वेस्टर समिट, वो ख़त्म हुई। इससे पहले दो इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में पहले भी आ चुकी हैं, उनका नतीजा लगातार अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं कि उन दो जो इन्वेस्टर समिट पहले हुई उसके क्या नतीजे, वो क्या ज़मीन पर क्या दिख रहा है, वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब तीसरी समिट हुई, इसके क्या नतीजे निकलेंगे, तो इस पे बात करने के लिए हमारे दारा सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। जी नमस्कार। क्या लग रहा है सर, G20 समिट हुई, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, कुछ होगा इससे कि नहीं? दो आपके सामने हो चुके हैं, तीसरा समाप्त हो गया है। देखना यह है कि 2024 के लेकर जिस तरह से ये मनगढ़ंत कहानी बनाते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, आपने देखा होगा कि इनके कई बयान आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि सिलेंडर को लेकर हुआ था, ठीक है, उसके बाद पेंशन को लेकर हुआ, महिला सुरक्षा पे हुआ और रोजगार पे हुआ। क्या मिला? धरातल पे देख लीजिए कि एक भी काम इनका धरातल पे ऐसा ये बता दे सीना ठोके कि हमारे डबल इंजन की सरकार ने किया, सिर्फ झूठे बयान होते हैं और इसके अलावा इनके पास कोई पलीदा नहीं होता है। अब इस समय 2024 का चुनाव आ रहा था, झूठ पर सच पर झूठ भारी है, इसका मतलब? जी भारी है ना। हाँ, पूरी तरह से भारी, तो भारी रहेगा, भारी इनका जो आपकी भारीपन पूरी तरह से जनता नकार देगी यहाँ पे। यही बात आप 2017 से गा रहे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। नहीं, अब की होगा ये, अब की कितनी? आपको बता दे 2022 में भी माननीय अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनते, अगर तो नहीं ना बनते। देखिए बेमानी हुई है, सबको पता है किस तरह से पोलिंग की गई है, किस तरह से महिलाओं के कपड़े चीरे गए पर्चा दाखिला के टाइम पे, सबको जनता देख रही थी। 24 की क्या तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है? समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व होगा, जो फैसला लेगा, उसी पे हम लोग सब लोग काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए? एक तरफ राहुल गांधी एक यात्रा करके अब दिल्ली वापस लौटे हैं, कह रहे हैं दूसरी यात्रा हम शुरू करेंगे गुजरात से लेके अरुणाचल तक। देखिए राहुल गांधी जी का जैसे आपने नाव ले लिया है, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो भाजपा से बराबर टक्कर ले रही है, जबकि आंदोलन हम लोग करते हैं झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं। जनता केवल उत्तर प्रदेश थोड़ी बनेगा, इसके अलावा 28 राज्य हैं। अरे तो 28 राज्य हैं, मगर मेहनत तो भी करना चाहिए। आप सोचिए कि कहाँ तक उनका भारत जोड़ो आंदोलन हुआ था, यात्रा चली थी 300 किलोमीटर यात्रा चली है, वो चली है। यूपी में क्यों नहीं आए? यूपी में आए थे, जब आते हैं जानते कब आते हैं, जब चुनाव के एक महीना बचता है। यूपी में आए थे, अखिलेश जी को निमंत्रण दिए थे, अखिलेश जी गए नहीं। अखिलेश जी को निमंत्रण नहीं दिए थे, उनका पत्र फिर से पढ़ लीजिए आप, उनका पत्र जो है आप पढ़ लीजिए, और अखिलेश जी ने उनको शुभकामनाएं भी दी थी। भाई हमारी समाजवादी पार्टी की जो विचारधाराएं हैं वो अलग हैं, उनकी विचारधाराएं अलग हैं, समझ गए? हम सिर्फ अपनी सोचित जो गरीब हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं, और वो हैं कि दिखावा करते हैं। अभी दो महीना जब होगा तब वो आएंगे देखना यहाँ पे प्रचार करने के लिए कि यहाँ 80 सीटें हैं, तो चलो उत्तर प्रदेश की तरफ घूम चले। 2022 में वो यही हुआ था। एक बात बताइए, नहीं 2022 की चलिए छोड़िए, हम 2024 की बात कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके इन दलों को साथ, एक बार आप चले गए तेलंगाना, वहाँ जाके केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब थे, भगवंत मान थे, KCR थे, इन सब के साथ आपने मंच साझा किया, तो क्या तीसरा गुट, कोई तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है? अब ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वही से पे हम लोग अटल रहेंगे, समझ गए? अब तीसरा मंच है या एक मंच होगा या दो मंच होंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। अब वो जो आदेश करेंगे, समाजवादी पार्टी के सिपाही सब तैयार रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी आप लोग कह रहे हैं सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अगर माननीय जी ने कह दिया सभी सीटों पे लड़ेंगे तो लड़ेंगे, हम लोग जाएंगे प्रचार करने, और वहाँ भी अभी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस वहाँ सरकार किसकी है? भाजपा की। कांग्रेस विपक्ष में है वहाँ, मजबूती विपक्ष है, मगर आप वहाँ पे एक बार जाके देख लीजिए धरातल पे,
वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका जो वहाँ के जो नागरिक हैं वो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी से मदद मांग रहे हैं, कई लेटर यहाँ पे आए। तो 2024 में आप लोग ये कह रहे हैं जैसा चलिए, क्योंकि आप कुछ बोलने के लिए खैर तैयार नहीं हो रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वैसा कर देंगे, कुछ बताइए ताकि कुछ खुल के सामने आए, लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। देखिए लोगों को समझ में आ रहा है, लोग खुद समझ रहे हैं, आपकी हम बता तो रहे हैं कि जो भी चुनाव हो रहे हैं भाजपा बनाम जनता हो रही है, जनता बनाम भाजपा हो रही है, ठीक है। समाजवादी पार्टी जनता तो 2024 में कांग्रेस के साथ है, फिर आपको कैसे पता? आपको कांग्रेस ने बताया क्या? जनता बता रही है हमें, जनता कहाँ से बता रही है आप बताइए। जनता से हम बात करते, जनता सुनिए, जनता के लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं, भाजपा ने खोद डाले हैं, तभी तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस आए ना यहाँ पे, भाई कांग्रेस रिपोर्टें लेने आएगी क्या उत्तर प्रदेश में? लड़ाई अखिलेश जी लड़े, कार्यकर्ता उनके लाठी खाएं, जेल कार्यकर्ता उनके जाएं, कांग्रेस यहाँ से पुलाव खाने आएगी? कहाँ है, आए भाई हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहें कि चलो हम भी आपके साथ में मिल रहे थे, आप अध्यक्ष जी मानने को राजी नहीं हो रहे? मानने के लिए राजी क्यों नहीं, तैयार हो रहे थे, उन्होंने शुभकामनाएं तो दी। कांग्रेस यही कह दे कि हाँ भाई आज समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं जो आंदोलन जमीनी पे स्तर पे कर रहे हैं, मेरी भी शुभकामना है। बोला प्रियंका जी ने, बोला राहुल गांधी ने, नहीं बोला? बड़ी ऐतिहासिक यात्रा थी, 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो चले गए एक टी शर्ट में, तो थोड़ा सहयोग। राजनीति में कुछ ऐतिहासिक नहीं होता, सबसे बड़ा होता है जनता, और जनता के ऊपर दुख जब पड़ता है ना तो उसके आंसू पोंछना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप लोग विकल्प दे रहे हैं जनता को कि उत्तर प्रदेश में आप आइए, समाजवादी पार्टी साइकिल का बटन दबा दीजिए, बाकी प्रदेश में क्या होगा फिर? बाकी प्रदेश में जैसा कि जब गठबंधन होगा, अगर महागठबंधन होगा तो वहाँ के लिए वहाँ समर्थन, गठबंधन में कांग्रेस होगी कि नहीं होगी? अब ये तो बात देखो राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, इतना बड़ा जो होगा, जो भी होगा वो आप लोगों के सामने आएगा, इंतजार कीजिए उसके लिए। लखनऊ रहेंगे कि दिल्ली जाएंगे? दिल्ली भी जाते हैं, लखनऊ भी रहते हैं। नहीं मतलब विधानसभा में रहेंगे कि जाएंगे लोकसभा में? देखिए अगर उनको लोकसभा में थे छोड़ के विधानसभा में आए जनता के लिए, अभी अब चुनाव समय नज़दीक आएगा, जो फैसला होगा वो बताएगा। कई लोगों के मन में हलचल चल रही है, कई लोगों के मन में सवाल है कि चाचा को दिल्ली भेजा जाएगा या भैया खुद लखनऊ जाएंगे, खुद दिल्ली जाएंगे? बता तो दिया फैसला, वो तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। देखिए बताने का क्या है, भैया जी भी जो हैं कमेटी में ही होते हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बस यही विकास का होगा, शिक्षा का होगा और रोजगार का। विकास के मुद्दे आप लोग लेके 2017 से चल रहे हैं, तो विकास का पहिया अखिलेश भैया, ये पहिया पंचर हो गया क्या? आप बता दीजिए, सच बताना कि, और जनता से भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा से ज़्यादा कौन काम किया उत्तर प्रदेश में? कौन किया? दोबारा मुख्यमंत्री हैं? दोबारा। आप शहर के बाद गाँव में कैमरा लेकर चले जाइए, पूरी हकीकत जनता बता देगी। भाजपा के जितने भी चैनल हैं वो सिर्फ शहर के ही 2-3-4 भाजपा के ही जो सपोर्टर होते हैं उनका इंटरव्यू या बैठ लेते हैं। अरे फिर भी लगातार चुनाव हारे जा रहे हैं आप लोग। अब चुनाव कहाँ हार रहे हैं, चुनाव जब हराए जा रहे हैं, बेईमानी करके हराए जा रहे हैं, जैसी भी खड़ी कर दी जाती है, मतलब बेईमानी के लिए कोई आपका इंतजाम नहीं है, 2024 में भी दोबारा हार जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता? तो बेईमानी की तैयारी कहाँ आपके पास है? क्यों नहीं तैयारी? तैयारी पूरी तैयारी होती है, जब राजनीति में उतरता है आदमी तो पूरी तैयारी करके उतरता है, ठीक है। मतलब ये मान रहे कि पिछली बार तैयारी पूरी नहीं थी? आंदोलन जारी होगा, जनता मेरे साथ रहेगी। किन मुद्दे पर आंदोलन करने जा रहे? मुद्दा होंगे किसानों के लिए, रोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लेकर। मोदी जी बजट आया, मोदी जी कह रहे 75 एयरपोर्ट और बनवाएंगे अभी हर जिले। वो अपने लिए बनवा रहे होंगे, जनता के लिए नहीं बनवा रहे। वो तो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पे बैठवा रहे थे, वो तो चप्पल भी छीन लिए ना, छीन लिए कि नहीं बताइए? अडानी वाला जो मसला चल रहा, क्या कहेंगे उसके? अडानी वाला भाई उसका दोस्त है, उनके लिए अडानी जी समिट में भी दिखाई नहीं दिए। अडानी जी नहीं दिखे हैं क्योंकि बीच में ही उनके पोल खुल गई थी, इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया था। अच्छा, क्या पोल खुल गई? अभी तो कोई, सब अडानी जी कह रहे हैं कोई कुछ दिक्कत नहीं है, LIC कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, SBI कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग झूठा ही हंगामा कर रहे हैं। कौन नहीं कहता है, उनके लेटर देख लीजिए, अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। LIC कह रहे हैं हम लोग प्रॉफिट में हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर क्यों हल्ला मचाए थे? क्यों ओपन तो हल्ला मचाए? हम लोग तो ओपन नहीं किए थे पहले, हल्ला तो वही मचाए थे, उन्हीं की रिपोर्ट आई थी, हमने तो रिपोर्ट नहीं मांगी। इंडियन वर्क किया ये रिपोर्ट? हाँ, अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी से दोस्त आ सकते हैं, अमेरिकी वाले रिपोर्ट नहीं लगा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं मलाई खाने? झूठे ही आप लोग हल्ला मचा रहे हैं कि SBI का नुकसान हो गया, LIC का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब मसला सब बढ़िया बराबर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अगर सब बढ़िया चल रहा होता तो जनता त्राही त्राही नहीं करती,
आप बताइए, अडानी कई नंबर पे थे, कितने नंबर पे आए? इन सब जो मुद्दे चल रहे हैं अभी हाल ही में, शूद्र वाला मुद्दा चल रहा है, ये LIC SBI अडानी चल रहा है, G20 समिट चल रही है, इसका कुछ असर 2024 में हम लोग देखेंगे क्या, और देखेंगे तो किसके पक्ष में इसका नतीजा जाएगा? देखिए, जो पंक्तियों पर विरोध किया गया है समाजवादी के नेता द्वारा, उस पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद उसे महसूस कीजिए। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी के, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने और माननीय श्री अखिलेश यादव जी वहाँ से आवास जब खाली किया, तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया था कि हम लोग शूद्र हैं, कहा था कि नहीं, उन्होंने आवास धोवाया गंगागंज से। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आपने आवास किस कारण से धुलाया? आज भी वो सवाल घूम रहा है, उसका जवाब ही नहीं दे रहे, बाबा जी भाग ही जा रहे हैं। अच्छा, बताइए, शूद्र को डिप्टी CM बना दिए हैं, आप बता रहे हैं कि डिप्टी CM बना दिया है ना, डिप्टी CM कितना काम कर रहा है, फोटो खिंचाने जा रहा है? ये ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मण के बगल में शूद्र को बैठा रहे हैं, क्या आपको मसला है उससे? कहाँ पे बैठा रहे हैं? ब्रजेश पाठक के बगल में बैठते का स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य कहाँ पे बैठते हैं? हाँ, कितने मंचों पे देखा आपने? नहीं बैठते, बताइए ना। विधानसभा में बगल में बैठते, विधानसभा में बैठते इसलिए क्योंकि वहाँ पूरा प्रदेश देखता है, बाकी जगह नाम आ रहा है कहीं? आज आप ही ने नाम लिया, बाकी तो कोई नाम भी लेने को तैयार है? कोई डिप्टी CM है उत्तर? बड़ा पद दे रखा है आप, फालतू भरा है। अरे, पद तो लेने का, यहाँ तो बड़े बड़े पद हैं, मगर उनकी गरिमा भी तो होनी चाहिए। आप ब्रजेश पाठक का नाम ले रहे हो, अस्पताल जाते हैं, फोटो खिंचाने जाते हैं, फोटो खिंचाया, ब्राह्मण के बगल में एक शूद्र को बैठा दिया, क्या आप और इससे ज़्यादा क्या सम्मान लेंगे आप? बस बराबर बैठा दिया, ये कोई सम्मान हो गया? दर्जा नहीं दे दिया फिर? ये बराबरी का दर्जा है, तो क्या है? वाह भाई, हमारे घर में चूल्हे जो मुझे पड़े हुए हैं वो तो एयर कंडीशन है। चूल्हा जलाने के लिए सिलेंडर आपको मोदी जी ने बांटा मुफ्त में? मुफ्त में दिया है। किसको दिया है? सभी महिलाओं को। तो जांच कराए ना, जब सभी महिलाओं को 1600 रुपया भी लिया है गैस एजेंसियों ने, फ्री में किसी को नहीं दिया है सिलेंडर, फ्री में नहीं मिला? चल के जांच कराए, हम तो सबूत गवाह सब देंगे इनको, आए जांच करें आके। कौशल विकास में तो उसमें धांधली, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, है? भू माफियाओं को तो बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सोचो, एक गरीब आदमी, थर थर सब भू माफिया काँप रहे हैं, सब दबंग थर थर काँप रहे हैं, आप झूठे आरोप लगा जी, खुद ही काँप रहे हैं मुख्यमंत्री जी, खुद ही काँप रहे हैं मुख्यमंत्री, काहे काँप रहे हैं? भू माफियाओं से डरते हैं, ड्रग्स माफियाओं से डरते हैं? देखो, गंभीर आरोप लगा दे रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं, सबूत के साथ पेश करूंगा। कह रहे हैं सब काँप रहे हैं मुख्यमंत्री से, काँप रहे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जिस दिन उनका डायलॉग होता है अपराध मुक्त, उसी दिन अपराधी कहीं कांड कर देता है। अच्छा, सोचिए कि उनका एक इंस्पेक्टर उनके मंत्री का कहा नहीं मानता है, उनकी विधायक खुद ट्विटर पर लिखती है कि श्रीमान जी इसको संज्ञान में लीजिए, ये गलत हो रहा है। सोचिए उनके विधायक, उनके मतलब अपराध आप देख रही है रोज, जिले से किसी न किसी जिले से खबर आएगी। चलिए ठीक है, लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं, राजनीति का केंद्र है, क्योंकि लोग सभी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए था, 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और यहीं से रण चालू होगा। क्या गठबंधन, क्या समीकरण, क्या तस्वीर हम लोग 2024 में देखेंगे, कौन कौन सी पार्टियाँ साथ में आकर चुनाव लड़ती हैं? लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव का साफ कहना ये है कि जो हमारे साथी हैं उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे, कोई नया गठबंधन, कोई नया एक्सपेरिमेंट राजनीति में अब नहीं होगा। तो किन मुद्दों से पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसान कितना बड़ा मुद्दा आगे आने वाली राजनीति में होगा, आने वाले चुनाव में होगा, और जो शूद्र की बात हो रही है, शूद्रों की बात हो रही है, ये जो वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, इसमें शूद्र की क्या भूमिका आगे आने वाली राजनीति में होगी, ये बड़ा अहम मुद्दा है। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।